ये वीडियो आप हिसार के हॉस्पिटल से देख पा रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर इतने यंग एज के बच्चे आप देखकर हैरान जरूर होंगे। ये देख पा रहे हैं इन बच्चों की उम्र क्या है, किसी की 19 होगी, किसी की 18 होगी, किसी की कितनी होगी, और इस उम्र के अंदर ये बच्चे हॉस्पिटल के अंदर अपना चेकअप करवाने के लिए जानने की कोशिश करेंगे वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आप अलर्ट हो जाइए अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रही हैं, बातचीत जरूर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। केशव। अंकुर। ललित। रोहित। उम्र? 17 साल। 18 17.5 18। वजह क्या रही यहाँ पे आने की? डिफेंस के लिए जाना था, इसलिए यहाँ पे तैयारी अच्छी होती है, इसलिए आए थे। हॉस्पिटल के अंदर कौन सी तैयारी होने लगी भाई? तैयारियां तो अकेडमियों में होती है। हॉस्पिटल में तो अकेडमी की अथॉरिटी से यहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। मेडिकल चेकअप? हाँ, मेडिकल चेकअप। वजह है मेडिकल चेकअप की? आगे दिक्कत ना हो सिलेक्शन के बाद अकेडमी की तरफ से मेडिकल। मैं नेवी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आया हूँ। नेवी की तैयारी के लिए ये आगे मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हम हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा है, इसके लिए आए थे इधर नेवी में। लास्ट में मेडिकल ही है जो बाद में पॉइंट बनने की संभावना रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेवी की तैयारियां करते हैं, डिफेंस की तैयारियां करते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और उसके साथ साथ में अकेडमियां ज्वाइन करते हैं, पेपरों की तैयारी करते हैं, तीन तीन चार चार महीने रेगुलर लगे रहते हैं और उसके बाद में पता है क्या, कोई रेस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है और सारे के सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं जब आता है लास्ट का पड़ाव, उसको बोलते हैं मेडिकल। अब मान लिया 2000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया और लेने मात्र उसके अंदर से 700 बच्चे, जो 1300 बच्चे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसकी वजह पता है क्या है? वजह है सबसे खास मेडिकल। जितने भी बच्चे निकलते हैं ना, सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन उन सभी बच्चों को लगभग मोस्टली 90% बच्चों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस बच्चे को सोचकर देखिए कितना दुख होता होगा। पहले तो सुबह उठकर उसने तैयारी की, पसीना बहाया, फिर उसने एकेडमी ज्वाइन की, वहां पर पसीना बहाया, दिन रात पढ़ा, तैयारी की, बड़े बड़े सपने देखे, माँ बाप ने उनकी बच्चों की आंखों के अंदर सपने देखे और जब मेडिकल होता है तो सब हौसला टूट जाता है। पता चलता है कि बच्चे की नाक टेढ़ी है, बच्चे के दांत में दिक्कत है, बच्चे के पैर है ना यहाँ पे गोड्डे मिलते हैं आपस के अंदर चलते वक्त, बच्चे का हाथ जो है ना ये सीधा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ बताकर उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चों के दिल टूट जाते हैं। आज जो ये बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, कमाल की बात ये है, ये इतने जागरूक हैं कि ये सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर पूछे, कहीं पर हमको आज हम पास हो जाएं और लास्ट के अंदर जब मेडिकल पे जाएं तो हमको बाहर ना निकाला जाए, है ना कमाल की बात। अब मैं बात ये करूंगा कि आपके फादर साहब क्या काम करते हैं? फार्मर है। टेलर है। किसान है। फार्मर। फार्मर है। शॉपकीपर है। शॉपकीपर है। किसने सपना दिखाया है आपको इस लाइन में जाने का? मेरे फादर ने कहा था स्टार्टिंग से ड्रीम है। जब मैं किसी को इस वर्दी में देखता हूँ तो जुनून आ जाता है इस वर्दी को पाने के लिए। जुनून आ जाता है? हाँ, जुनून आ जाता है। भारत के सैनिक बनने का बहुत बड़ा सपना है, बचपन से सोच रखा था मैंने कि मैं एक डिफेंस में जाके इंडिया की सेवा करूँगा। मॉम डैड ने बोला था डिफेंस की तैयारी करना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मॉम डैड के लिए तैयारी कर रहे हैं। और खुद का सपना क्या है? खुद का सपना देश की रक्षा करने के लिए है सपना, तो जाना डिफेंस में ही है। डिफेंस में ही जाना है। कब से तैयारी कर रहे हैं? 6 months हो गए, घर पे करते थे, अब रेस लगाने के लिए जाते हैं। यस सर। थैंक यू। तो फिलहाल ये एक बच्चों का छोटा सा इंटरव्यू, बच्चे पीछे काफी सारे हैं आप देख पा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं पूरा जनसलैब आया हुआ यहाँ पे चेकिंग करवाने के लिए। अब आप कहेंगे कि साहब मैं हूँ कौन से हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर इस प्रकार की तैयारियां पहले ही करवाई जा रही हैं? हॉस्पिटल है संकल्प हॉस्पिटल, इधर आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है संकल्प हॉस्पिटल का, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर संकल्प हॉस्पिटल है और ये गली नंबर 1 ऋषि नगर के अंदर है। अब करते हैं सबसे मेन बात, ये बच्चे तो वो हैं जो एकेडमी से भेजे हुए हैं कि आप जाइए अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, कहीं ऐसा ना हो आप तैयारी कर लें लास्ट के अंदर आपको जाकर मेडिकल में बाहर निकाल दिया जाए, पता चले नाक टेढ़ी या टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं और फिर आपको धोखा लगे। अच्छे से जागरूक करना भी, बहुत कम ऐसी अकेडमियाँ होती हैं जो बच्चों को अच्छे से जागरूक कर पाती हैं। सर हमारे साथ में, सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैंने आज पहली बार देखा कि कोई मुहिम ऐसी भी चलाती है अकेडमी की, भई हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि आपके अंदर ना ये फॉल्ट है, इस वजह से हम आपका करियर खराब नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी अकेडमियाँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को सपना दिखाती है, आइए आइए।
आइए और वहाँ पे 200 बेड इकट्ठी कर देंगे और वो मैं करती रहेंगी पूरा दिन। देखिए सर, ऐसा है, हमें क्लासरूम भरने के लिए काम नहीं करना है। आवर्स एकेडमी जो सालों से रिजल्ट देती आई है, 13 साल से जो हिसार शहर की सबसे पुरानी एकेडमी है, तो हमारा काम है रिजल्ट देना। अगर आप रिजल्ट देंगे तो ही आप बच्चे के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि जितने भी बच्चे नेवी के आए हैं, पहले तो हुआ है इनका एक एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि हमें सुपर 30 जो बैच बनाना है, 30 ही बच्चे लेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे हम इस बैच के अंदर नहीं देंगे, ठीक है। और उसके अंदर भी पहले एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, हमारी जो टीम है उन्होंने टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे ही रोल नंबर आने हैं। और हम जिस स्पीड से जो डेडिकेशन देंगे, 9 to 5 की टाइमिंग चलेगी। आमतौर पे एकेडमीज में क्या है कि 3 घंटे के ही बैचेज चलाए जा रहे हैं, उससे तो आप बच्चे के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप रख लेते हैं जब्त करके, और उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही बच्चों को 9 to 5 के हिसाब से प्रिपरेशन करवाया जाता है। लगभग हमारे पास 50 दिनों का समय है, और आपको दोबारा मैं इन्वाइट करूंगा जब इन्हीं में से बच्चे सेलेक्ट होंगे, और लगभग हमारी एक्यूरेसी रहेगी 90% प्लस। इस बैच के अंदर भी हम 90% बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ना किसी दूसरी एकेडमी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, बात है यहाँ पर एक बच्चे के फ्यूचर बनाने की। कितने सारे बच्चे आ जाते हैं, आज तो इन बच्चों को बता दिया गया। किसी कोई बच्चा ऐसा भी है क्या जो इस एकेडमी को छोड़ के कहीं और पढ़ा हुआ हो, जिसने वहाँ पे ज्वाइनिंग भी की हो? रोहतक सर, पहले रोहतक। कुछ बताया गया था वहाँ पे? बस तैयारी चलती थी, अवर्स एकेडमी की तरह नहीं था, क्लासेस भी नहीं, ऐसा बताया गया था क्या कि आप सबसे पहले आप मेडिकल करवाइए? नहीं बताया, पहले नहीं बताया गया था। इस आर्मी ही कोई एक एकेडमी में ट्राई किया था, वहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया था। नहीं, कभी और एकेडमी बताते नहीं दीजिए, इसलिए हम ये अवर्स एकेडमी पे आए। हमारा सबसे पहले मेडिकल करवाया गया कि ये आगे जाके कोई दिक्कत ना हो मेडिकल में। पेपर क्लियर हो जाते और लास्ट में मेडिकल में आपको निकाल दिया जाता तो सब क्या होता? बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा होता हमारे साथ। जो हमें पहले पता होना था, वो हमें बाद में पता चला कि हमें मेडिकल में निकाल दिया गया है, इसलिए हम पहले ही मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे, हो सकता है बच्चे बेटा आपको देखते हो, क्या कहेंगे उनको? पहले क्या जरूरी है, पहले डिफेंस की तैयारी करना जरूरी है या फिर पहले मेडिकल के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना? पहले मेडिकल के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। पहले मेडिकल कराओ, जो पॉइंट होता है वो क्लियर करो, फिर अवर्स एकेडमी की प्रिपरेशन। अब बात कर लेते हैं जानदार और शानदार डॉक्टर से जो इनका फ्यूचर देख पा रहे हैं। इतने बच्चे यहाँ पर आए हैं और इनका फ्यूचर पहले ही देख पा रहे हैं कि ये बच्चे फिलहाल मेडिकल के अंदर स्टिक बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे, किसके अंदर फॉल्ट है, कौन व्यक्ति कामयाब होगा मेडिकल के अंदर, किस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग संकल्प हॉस्पिटल के डॉक्टर संगीत जी से। आ जाइए, अंदर चलते हैं और जरूर बातचीत करते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार दीपेश जी। सर कितने एक बच्चे आज आपके पास में आए हैं मेडिकल चेकअप करवाने के लिए? सर ये मेडिकल चेकअप हमने पहले भी किए हैं, और इसमें जो हमारे फिजिशियन जो उनको देख रहे हैं और जो एकेडमी के कोचिज हैं वो जो बता रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। स्पेशली बच्चों को आइज़ का नहीं पता, आइज़ 4x4 और 6x6 होनी चाहिए इनकी, और वो बच्चों को नहीं पता, वो बिल्कुल नॉर्मल देखते हैं इस चीज़ को। एक नेजल जो हमारे नाक की हड्डी टेढ़ी है, चेस्ट बहुत सारों की बहुत चेंजेस आए हैं। अब की बार जो देख रहे हैं, जो पीछे 3 या 4 दिन से लगातार ये कैंप लग रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के लोकने की भी प्रॉब्लम आ रही है। लोकने की भी जो अभी उनके कोच उनको उसको एडवाइस कर रहे हैं कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सर आपके पास में सिर्फ एक ही एकेडमी, क्योंकि मैंने देखा बाहर एक ही एकेडमी के बच्चे खड़े हैं, सिर्फ वही एकेडमी के बच्चे आ सकते हैं या फिर कोई और बार के बच्चे भी आ सकते हैं जो आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर ये तो आवर्स एकेडमी की पहल है कि वो इन चीज़ पे बच्चों को ध्यान दे रहे हैं कि अपनी तैयारी करने से पहले उनको पता हो कि किस चीज़ की तैयारी करिए। उनको पूरा ज्ञान दिया जाता है कि आप टेक्निकल में जाएं या आप आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं या नेवी में जाएं, या मेडिकल हेल्थ के प्रति आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बाद में आ सकती है, जिनके परमानेंट पॉइंट्स हैं या फिर आपके रिमूवल पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। परंतु हमारे यहाँ पे सभी एकेडमियाँ ओपन हैं, चाहे कोई भी हो एकेडमी, वो आके हमारे यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि केवल मात्र 30 रुपये में हम उनकी एक पर्ची काट रहे हैं, जिसके थ्रू वो हमारे चारों डॉक्टरों की, फिजिशियंस की, अपने आई वाले डॉक्टर्स की, डेंटल की और अपने ऑर्थोपेडिक की वो सलाह ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर आप, क्योंकि बाहर मैंने देखा ओपीडी की अगर कभी 200 होती है, कभी 250 होती है, कभी 300 होती है, आप मात्र 30 रुपये के अंदर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? सर 30 रुपये में सभी डॉक्टर्स की हम यहाँ पे उनको सेवाएँ दे रहे हैं, वो भी सुपर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट, प्लस उसके साथ साथ हम उनको जो दे रहे हैं कि वो अगर हमसे एक्सरे कराते हैं, लैब जांच करवाते हैं या कुछ भी प्रोसीजर करवाते हैं, जैसे आँख के नाक के ऑपरेशन के लिए कई बच्चे आए हैं, जो ऑपरेशन उनका 15 या 18 हज़ार रुपये में हो रहा है, तो हम उसको 10 हज़ार में, 9 हज़ार रुपये में करके भी दे रहे हैं।
इतना सस्ता कैसे सर, वजह क्या है? क्योंकि मार्केट की मैं देखता हूँ ना तो बहुत महंगे महंगे हैं, कहीं पे एक रुपया नहीं छोड़ते, खास तौर के ऊपर तो डॉक्टर, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ आप 30-30 रुपए के अंदर और काफ़ी सारी छूट भी दे रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? सर सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो बहुत गरीब घर से होते हैं, बहुत समय लगता है, साल दो साल लगने के बाद अगर मेडिकल पॉइंट्स उनके बनते हैं और उनको दुख होता है उस चीज़ से निकाले जाते हैं, तो वो चीज़ें उनका टाइम खराब ना हो और उनकी चीज़ें पहले से ही तैयार हो जाएँ, इसमें उनकी मदद कर रहे हैं। आज कितने सारे बच्चों को वापसी पवेलियन भेजा गया, यानी कि बेटा कि आप डिफेंस के अंदर ना जाएँ, आप किसी और चीज़ की तैयारी कर लें, आपके अंदर ये कमी है या फिर आप इस कमी को सुधार लें, कितने एक बच्चे ऐसे मिले? सर लगभग 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं जब हम फ्री का या ग्रांटेड बैच के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग तैयारी करने लग जाते हैं, कोई 15 दिन को, 20 दिन को, एक महीना, लेकिन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफिट होते हैं, जिसका कोई हाइट वेट या कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो जो नहीं जा पाते। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, बहुत लोग आपको देते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, चाहे किसी भी अकेडमी में हो, संकल्प हॉस्पिटल में आके मिल सकता है, उनको उनके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, वो भी मात्र 30 रुपये में। बहुत बहुत धन्यवाद, 30 रुपये के अंदर मात्र आप ये अहम और ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारियां जो है वो शुरू हो रही हैं डिफेंस की, चाहे आप किसी भी एकेडमी में क्यों ना हो, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप अपनी एक बार जांच जरूर करवा लें, कहीं ऐसा ना हो आप लास्ट में पहुंचे और लास्ट पड़ाव के ऊपर आपको जाकर पता चले कि आपने रेस की तैयारी भी की, आपने एग्जाम भी क्रैक किए, आप आगे तक गए और लास्ट के अंदर आकर पता चला कि आप मेडिकल के अंदर अनफिट थे, इस वजह से आपको बाहर निकाल दिया गया, उस वक्त पे वो धोखा आप सहन नहीं कर पाएंगे और कीमती वक्त अपना हाथों से खोलेंगे। तो फिलहाल इसको शेयर कीजिए, पहुंचिए संकल्प हॉस्पिटल के अंदर, अपना मेडिकल जांच करवाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।